स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज गोविंदपुरी कालकाजी क्षेत्र में संकल्प एक पहल संस्था द्वारा वृक्षारोपण एवं स्वच्छता को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। कार्यक्रम में मुख्य तौर पर धर्मवीर सिंह एडवोकेट अध्यक्ष और उनके साथ कपिल गर्ग अध्यक्ष संकल्प एक पहल मौजूद रहे। साथ ही कार्यक्रम में संयोजक के तौर पर गौरव गोयल, सह संयोजक आशीष और नरेश अरोड़ा ने अपना योगदान दिया। यह कार्यक्रम वृक्षारोपण और जागरूकता के लिए किया गया। साथ ही साथ संकल्प एक पहल ने गोविंदपुरी इलाके में वृक्षारोपण भी किया, जिसमें संकल्प एक पहल के सभी सदस्य मौजूद रहे। उसके बाद लोगों को वहां पौधे भी भेंट किए गए और साथ ही साथ पौधे लगाने के फायदे उनको बताए गए और लगातार यह संस्था वृक्षारोपण और वातावरण पर लोगों को जागरूक करती हुई नजर आ रही है। इसी तरीके से गोविंदपुरी में भी वहाँ के लोगों को जागरूक किया और वृक्षारोपण उनके साथ मिलकर किया गया। साथ ही साथ भेंट स्वरूप अतिथियों को भगवद गीता भी भेंट की गई और स्वच्छता व वृक्षारोपण करने का संकल्प लिया गया कि लगातार वृक्षारोपण करते रहें और आसपास के इलाकों को स्वच्छ रखें। इसी संकल्प के साथ ये कार्यक्रम किया गया क्योंकि लगातार वातावरण खराब होता जा रहा है, जिसको लेकर वृक्षारोपण करना बहुत जरूरी है और लगातार वृक्षारोपण पर यह संस्था जोर दे रही है और लोगों को जागरूक भी कर रही है। उसी उपलक्ष्य में यहाँ पर गोविंदपुरी में इन्होंने वृक्षारोपण किया और साथ ही साथ लोगों को जागरूक किया और अपनी मुहिम को आगे बढ़ाया। गोयल जी है, गौरव गोयल जी हमारे कार्यक्रम प्रमुख हैं। हमने ये संकल्प किया जी गोविंदपुरी कालकाजी में हमें कहीं भी कोई भी संपर्क करेगा और भाई साहब बताएगा कि इस स्थान पे हमें पौधारोपण की आवश्यकता है, तो हमारे पास पूरी एक टीम है, एक व्यवस्था है। हम समाज के माध्यम से ही कोशिश करते हैं कि वहीं पर वहीं के लोगों के द्वारा ऐसा एक कार्यक्रम कर सके। आज हमारे बीच में हमारे सीनियर दो बार विधानसभा से चुनाव लड़ चुके, हमारे दिल्ली गण परिषद जो एक राष्ट्रीय संस्था है, ऐसे उसके संस्था के आप अध्यक्ष भी हैं, संयोजक भी हैं, एडवोकेट भी हैं। लगातार 30 वर्षों का आपका सामाजिक राजनीतिक अनुभव है। ऐसे श्रीमान धर्मवीर जी हमारे बड़े भाई, आप हमारे बीच में, हम ताली बजा करके पुनः आपका स्वागत भी करते हैं जी। और हम कृतज्ञ हैं कि ऐसे छोटे से कार्यक्रम में, छोटी सी हमारे आह्वान पर आप तुरंत परसों ही हमारी बातचीत हुई और आज आप समय निकाल करके आए हैं। तो आज ये पौधारोपण का कार्यक्रम है, 15 अगस्त है, 74 वर्ष आज़ादी के पूरे हुए हैं, 75 वर्ष में हम जा रहे हैं और इसको हम सभी मानते हैं कि हरियाली कम हो रही है, प्रदूषण बढ़ रहा है, तो हमें हरियाली को लाना है, हरियाली को बढ़ाना है। और इसके अलावा जो देश प्रेम की बातें हैं, वही सबको जागरूकता के रूप में हमने 15 अगस्त से मुहिम और बढ़ाएंगे। हम लगातार कोशिश करेंगे कि कम से कम महीने में 1 से 2 कार्यक्रम गोविंदपुरी कालकाजी, जहाँ भी लोग हमें संपर्क करेंगे, हम उसे करने का प्रयास करेंगे। ये आज का हमारा, देखो कपिल जी जो है ना निरंतर सामाजिक कार्य करते हैं और उस कार्य में ये जो प्लांटेशन का काम है दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली देश की सबसे प्रदूषित, क्या पूरे विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी मानी जाती है, और इसके लिए जो इनका जो उद्देश्य है संकल्प एक पहल, तो ये एक पहल है इस प्रदूषण को थोड़ा कम करने के लिए इनका जो प्रयास है। वो जैसे रामायण में सुनाते गिलहरी की कहानी, तो जो उससे कम नहीं है ये प्रयास, और इनका जो भावना है वो सात्विक है। और मैं इनको और इनकी टीम को साधुवाद देता हूँ कि निरंतर समाज में हम सारी जो परेशानियाँ एकदम दूर नहीं कर सकते, लेकिन हमें उनको मिनिमाइज करने का प्रयास कर सकते हैं, उसी में ये प्रयास। जिस तरीके से आज आपने अपने जो सहयोगी हैं उनको भगवद गीता दी है और भगवद गीता दे के उनको सम्मान किया है, तो क्या कहेंगे उसको लेके, क्या उद्देश्य है भगवद गीता दे? देखो, एक हम सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं, उसमें हमारे पूर्वजों ने जो लगातार संस्कार दिए हैं उनको गागर में सागर गीता के रूप में हमारे पास है और किसी भी समस्या का निदान इसके अंदर है और ये हमें निरंतर अपने जीवन में प्रेरणा देता है। और हमारा देश भारतीय संस्कृति के अनुसार उसका प्रकटीकरण होना पूरे विश्व में शुरू हो गया है। और ये जो भावनाएँ हैं, जो हम पहले केक काटना और जो दूसरे गिफ्ट देना, ये अपने संस्कारों के अनुसार हमें ये जो प्रवृत्ति हमारी शुरू हुई है वो अपने आदरणीय मोदी जी ने शुरू किया है और उसको हमें भी आगे बढ़ाना चाहिए, ये हमारा नैतिक कार्य है।